हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अमचूर की चटनी। अमचूर की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए अमचूर 20 ग्राम, गुड़ चाहिए हमें 100 ग्राम। अब हम अमचूर को कुकर में डालेंगे और इसमें एक कटोरी पानी डालेंगे। अब हम कुकर को बंद कर देंगे और गैस पर रख देंगे। हमें गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है और कुकर की 2 सीटी लेनी है। कुकर की 2 सीटी आ गई है, तब हम इसे ठंडा होने के बाद खोलकर चेक करेंगे। अब हम इस अमचूर को एक बर्तन में निकाल लेंगे अब इस अमचूर को हम मिक्सर के जार में रखेंगे। अब इसी जार में हम गुड़ भी डाल देंगे और हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे और इसे मिक्सर में पीस लेंगे। हम मिक्सर को बंद कर लेंगे और चटनी को चेक करेंगे। हमारी चटनी पिस गई है। अब एक बर्तन में हम छलनी लेंगे और उसमें वो अमचूर छान लेंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी भी डालते रहेंगे ताकि जो हमारी चटनी है वो जल्दी से छन जाए और पतली हो जाए। हमारी चटनी बन गई है। अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, सौंफ पाउडर 1/4 टीस्पून, हींग 1/4 टीस्पून। हम सारे मसाले मिक्स कर लेंगे। चटनी बनकर तैयार है।